नगर की ओर। 25 विदेशी राजनयिकों का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा घाटी, जमीनी हालात का लेंगे जायजा। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद विदेशी राजनयिकों का प्रतिनिधिमंडल घाटी में जमीनी हालात का जायजा लेने बुधवार को श्रीनगर पहुंचा है और इसमें अलग अलग देशों के 25 राजनयिक हैं। ये दल आज सुबह 11 बजे श्रीनगर पहुंचा। यहां से दल में शामिल सदस्य बारामूला जाएंगे और वहां से लौटकर श्रीनगर में सिविल सोसाइटी कारोबारियों समेत अलग अलग प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात करेंगे और बातचीत कर 5 अगस्त के बाद उत्पन्न स्थिति की जानकारी हासिल करेंगे। दल में यूरोपीय संघ और खाड़ी देशों के राजनयिक शामिल हैं और भारत में अमेरिका के राजदूत कीनेथ आई जस्टर्स समेत 15 राजनयिकों के दल ने 9 और 10 फरवरी को भी जम्मू और श्रीनगर का 2 दिवसीय दौरा किया था। इससे पहले दिसंबर में यूरोपीय यूनियन के सांसदों ने भी घाटी का दौरा कर यहां के हालात जाने थे। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने मंगलवार को सदन को बताया था कि किसी भी भारतीय नागरिक के जम्मू कश्मीर जाने पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है और उनसे एक सवाल पूछा गया था, जिस सवाल पर उन्होंने कहा था कि सरकार भारतीय प्रतिनिधियों को जम्मू कश्मीर जाने की मंजूरी कब देगी, ये उनका सवाल था। और साथ ही उन्होंने कहा कि इसके जवाब में उन्होंने बताया कि ऐसी कोई रोक नहीं है और इसी क्रम में उन्होंने ये भी बताया कि 15 देशों के प्रमुखों ने 9 से 10 जनवरी के बीच जम्मू कश्मीर की यात्रा की थी और इन देशों में अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड समेत कई देश थे।